हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड दैन आई होप यू स्टिल रिमेंबर हम लोगों ने पिछले वीडियो में किसके बारे में डिस्कस किया था वी फिनिश विद अ मेडिसिनल प्लान के वी हैव फिनिश डिस्कसिंग विद मेडिसिनल प्लान ओके दैट वॉज इस सब गोल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट और एरोमेटिक प्लान और जो सबसे पहला प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे वह है ये एरोमेटिक प्लान वर इज द नेम लाइक द नेम ऑफ दैट प्लान इज मिंथ ओके okay? मिंट या फिर वन पुदीना uh, uh, ना इंडियन नेम है पुदीना हमारे मतलब देश में कॉमनली उसको पुदीना बोलते हैं सो बोटेनिकल नेम क्या है मेंथा स्पीशीज ओके और फैमिली क्या है लाबियाटे लाबियाटे या फिर लामियासी -si. और इंग्लिश नाम क्या है मंद और इंडियन नाम है पुदीना या फिर पुटीहा ये संस्कृत में ओके okay?

इस प्लान में और इसकी अरोमा के वजह से और इसके बहुत सारे यूज है उसके वजह से राइट इट इस कमर्शली ग्रोन कमर्शली ग्रोन मतलब क्या यू आर ग्रोइंग इट फॉर योर ओन प्रॉफिट यू आर ग्रोइंग इट टू डू एक्सपोर्ट टू अनदर प्लेस एक्सपोर्ट करते हो दूसरे जगह में राइट कमर्शली ओके फॉर योर ओन प्रॉफिट ओके अब उसके बाद है जो ऑयल है ओके देअर ऑयल एंड डिराइव अरोमा जो ऑयल और अरोमा कंपाउंड है ट्रेट वर्ल्ड वाइड वो ट्रेड होता है वर्ल्ड वाइड में मतलब लाइक यू कैन डू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ओके ऑफ दिस और ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूजेस है सबसे पहला है मेन प्राइमरी सोर्स है मेंथॉल का ओके okay? और दूसरा क्या है ये एक्चुअली जापानीज मिन भी बोलते हैं क्योंकि लाइक इट इज़ वाट इट इज इम्पोर्ट लाइक मोस्ट ऑफ द मिन इज़ इम्पोर्ट फ्रॉम जापान इसलिए जापानीज मिन भी बोलते हैं और यूज इन प्रपरेशन ऑफ वाट प्रपरेशन ऑफ टूथपेस्ट टूथपेस्ट बहुत सारे आते हैं ना जो मिन से बनते हैं है न सो यूज़ इन प्रपरेशन ऑफ टूथपेस्ट ओके और उसके बाद डेंटल क्रीम एंड देन कन्फेक्शनरीज और बेवरेज बेवरेज लाइक ड्रिंक्स एंड ऑल राइट एक्सेट्रा उसके बाद क्या है फ्लेवरिंग लार्ज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल लाइक like, जो मेडिसिन आते हैं ना स्पेशली लिक्विड फॉर्म में तो उसका तेज अच्छा करने के लिए मंद ऐड करते हैं ओके दे ऐड दिस वन मिन्द ओके और उसके बाद है ये ट्रीट भी करता है ये मेडिसिन लाइक मेडिसिन इट कैन बी यूज एस ए मेडिसिन ऑल्सो राइट इन ट्रीटमेंट ऑफ किसके ट्रीटमेंट के लिए नासा नासा मतलब जो भी नोस प्रॉब्लम है या फिर कार्मिनेटिव या रोमेटिज़म ठीक है ये कुछ उसके इम्पोर्टेंट यूज है अब जो कॉमनली ग्रो करते हैं लाइक विच द मिन विच आर कॉमनली ग्रोन आर फोर दैट इज़ वट जापानीज मिंट, पेपर मिन स्पियर मिन बैरगामॉट मिन और ये साइट में जो ब्रैकेट में है ये इसके बोटानिकल नेम है ठीक है ये पहला है मेंथाल आरवेंसिस उसके बाद मंथाल पाइपरेता उसके बाद मेंथाल दिस वन स्पिकाटा और मेंथाल सिट्राटा इसलिए इसका बोटानिकल नेम आपने नोटिस किया होगा मेंथाल स्पीशीज़ बहुत सारे स्पीशीज़ है इसके ओके okay? सो so, ये इसके सेलियंट फीचर्स है के इसका फीचर्स लाइक आप देख सकते हो लाइक रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा ना पुदीना तो जो स्पीशीज़ है ये एक्चुअली जो स्पीशीज़ है बहुत सारे स्पीशीज़ है और सब हर्बेशियस प्लान में आता है इट इज़ हर्बेशियस प्लान ओके और ये जब ग्रो करता है स्पेशली रेनी सीजन में उसके बाद फॉर्म होता है स्टोलन विंटर सीजन में ठीक है स्टोलन ये है बीच में आप देख रहे हो ये क्या है ये डेवलप होता है विच डेवलप ये डेवलप करता है न्यू रूट्स को नए जड़ों को ओके नए जड़ों लाइक न्यू रूट्स और शूट्स एट द नॉट और उसके बाद फॉर्म होता है प्लान दूसरा डॉटर प्लान ओके सो ये इसका मेन सालियन फीचर्स है और उसके बाद क्या है ये जो एंटायर एरियल शूट है अलोंग विद द फॉलीज, जो ये शूट है अलोंग विद द फॉलीज, ओके मतलब फोलिएज मतलब लाइक द लीव्स ऑल टुगेदर ठीक है ये सोर्स है एसेंशियल ऑयल का और ये सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल विच इज़ रिच इन मेंथोल असेंशियल ऑल जो ये मैंथोल में हाई है रिच है ठीक है यही नहीं लेकिन ये भी कार्बन लिनालॉल लिनानाइल एसिटेट हैविंग यूज इन वट इन हैविंग यूज इन वट हैविंग यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और फ्लेवर इंडस्ट्री फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हीयर जो एंटायर एरियल शूट है और फोलियज है ये रिच सोस है इसके ठीक है एसेंशियल ऑयल जो हाई है मैंथॉल में और ये जो कंपोनेंट है ना कार्बॉन लिनोलॉल ये सब यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और फ्लेवर इंडस्ट्री में ऑफ दिस द जापानीज मंद इन सब में से इन सब स्पीशीज में से ये जापानीज मंद राइट इंडिया में ग्रो होता है लाइक इट इट इज़ कल्टिवेटेड हाईली इन विच पार्ट इन नॉर्दर्न इंडिया इट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली ओके ऑफ दिस जापानीज मिंथ मिन्थ यथोल इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन नॉर्थ इंडिया ठीक है और जो दूसरा दूसरे दूसरे मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो क्या है चाइना ब्राज़ील ठीक है और जो स्मॉलर एक्सटेंड वो है थाईलैंड वेटनाम और इंडिया एक लीडिंग सप्लायर है मैंथॉल मिन ऑयल का अगर आपसे अगर क्वेश्चन आएगा डैश इज लीडिंग सप्लायर ऑफ मैंथॉल मिन ऑयल और आपका आंसर रहेगा क्या इंडिया ठीक है अब अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो इसका ओरिजिनेशन क्या है ओरिजिनेशन है मेडिटरानन रीजन वहां से ओरिजिनेट हुआ है और ये जापानीज मिन जो है ये हाईली कल्टिवेट होता है लाइक वेरी इट इज़ हाईली कल्टिवेटेड एट अ लार्ज स्केल कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका कहाँ पर ब्राज़ील में पारागुआ में चाइना अर्जेंटीना जापान थेलैंड एंगोलो एंगोला सॉरी एंगोला एंड इंडिया और जो पेपर मैन है इट इज़ ग्रोन यू एस ए मोराको अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया फ्रांस राइट ये सारे कंट्रीज़ हैं राइट और यू एस ए ये मेजर प्रोड्यूसर है पेपर मैन और स्पीयर मेन का यू मेजर प्रोड्यूसर है ये याद रखना पेपर और स्पीयरमेन का और वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ मंथल मेंथा ऑयल इस प्रोड्यूस मेनली फ्रॉम व्हाट जो मेंथा ऑयल है ना वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ मेंथा ऑयल ये प्रोड्यूस होता है मेनली जापानीज मिन से ठीक है इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन फिफ्टी परसेंट मंथा ऑयल ये जो जापानीज मिन है ना इट कंट्रीब्यूट कितना कंट्रीब्यूट करता है पचास परसेंट ऑयल ओके प्रोडक्शन और ये या, देखो ये इंडिया इंडिया में मतलब जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेंथा का वो है उत्तर प्रदेश ओके यूपी इज़ द लार्जेस्ट मेंथा प्रोड्यूसिंग स्टेट इन कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करता है कितना मतलब प्रोड्यूस होता है अस्सी से नब्बे परसेंट टोटल प्रोडक्शन होता है ठीक है और इन सब में से ये ये एरोमेटिक क्रॉप है ना सो अमंग द एरोमेटिक क्रॉप मैंथा मैंथा जो है मिन जो है ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया में जो बहुत लाचली प्रोड्यूस होता है लाचली प्रोड्यूस होता है लाचली कंज्यूम भी करते हैं प्रोड्यूस भी करते हैं कल्टिवेट भी होता है कंज्यूम खाते भी हैं लोग और एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है, है प्रोडक्शन कितना है थर्टी टू थाउजेंड टन ऑफ ऑयल और एक्सपोर्ट होता है फोटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी टनस एक साल में मेनली कहाँ पर एक्सपोर्ट uh, होता है अर्जेंटीना ब्राज़ील फ्रांस जर्मनी जापान यू के और यू ठीक है और ये उसका एरिया ऑफ प्रोडक्शन है देखो yeah. इतने हेक्टर में <coughs> <coughs> इतना प्रोडक्शन होता है ओके okay? <coughs> और मिन ऑयल ऑप्टेन कहाँ से जो ये मेंथा अर्वेंसिस है मेंथा पैपरिता है ओके okay? में मिंद ऑयल जो ऑप्टेन होता है इन सब से इंडिया को बहुत मतलब ऊपर में लाइक क्या बोलते हैं होता है ना लाइक रिकोगनाइज करते हैं दूसरे देश भी तो मिंद के वजह से मिंद ऑयल के वजह से इंडिया को मतलब लाइक पूरे देश में ये लाइक एक कंट्री है जो मिंद का हाई प्रोडक्शन होता है ओके मेंथा का हाई प्रोडक्शन लाइक किसके वजह से मंद ऑयल के वजह से ठीक है सो दैट्स वाई इट इज़ रिकोगनाइज बिकॉज ऑफ मंद ऑयल ऑल्सो ओके लाइक इंडिया को सबसे पहला लाइक like, पहले नंबर में लाइक like, कर दिया है इसके मिन ऑयल लाइक इफ वी टॉक अबाउट एरोमेटिक प्लान अगर हम लोग एरोमेटिक प्लान के बारे में बात करेंगे तो ओके okay? और मिन uh, ऑयल और मंथॉल ये प्राइमरी एक्सपोर्ट होता है ओके okay, और दूसरा तो होम रिक्वायरमेंट है लाइक घर में ही यूज़ होता है ठीक है वी यूज इट एट होम ये कुछ उसके वैराइटीज हैं जापनीज मिंथ जापानीज मिंथ स्पीशीज़ के अंडर कितने वैराइटीज है ये वैराइटीज हैं जैसे कि हिमालय कालका शिवलिक के okay, और पेपरमिन के अंदर कौन सा वैराइटी है कुकरियाल स्पेयरमिन के अंदर एम एस एस वन एम ई एस एस फाइव पंजाब स्पेयरमिन अलसन यू डिसाइड आप गो थ्रू करना है एक बार ठीक है और ये केमिकल कम्पोजिशन है और यूज़ है केमिकल कम्पोजिशन क्या क्या है जापानी स्मंद में जापानीज मंद ये प्राइमरी सोर्स है मथल का जो फ्रेश लीफ है उसमें ऑयल रहता है चार से छः परसेंट ओके फोर टू सिक्स पॉइंट जीरो परसेंट और जो आ, ये द मेन कॉन्सिटुवेंट ऑफ द ऑयल आर जो मेन कॉन्सिटेंट कॉन्सिटुन जो ऑयल में रहता है वो क्या है मैंथॉल सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी फाइव परसेंट और मेन्थन सेवन टू टेन परसेंट और मिथाइल एसिडेट ट्वेल्व टू फिफ्टीन परसेंट और तेरपी दैट इज तेरपिन का मतलब क्या है ये तीनों तीनों का कॉम्बिनेशन पाइपिन लेन एंड कॉम्फिन और पेपरमेन पेपरमेन द फ्रेश हर्ब कंटेन एसेंशियल ऑयल ऑयल रहता है इस हम में कितना जीरो पॉइंट फोर टू जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट और जो मेंथल कंटेंट है लाइक इट इज़ लो मेंथल कंटेंट कम है थर्टी फाइव टू फिफ्टी परसेंट और जो दूसरे कॉन्स्िटेंस है लाइक दूसरे कॉन्स्टिटुन मिथाइल एसिट आर मिथाइल एसीटेड दूसरे कॉन्स्िटेंस जैसे कि मिथाइल एसिटेड फोर्टीन टू फिफ्टीन परसेंट और मैंथुआ फोरन और तेरपीन तेरपिन लाइक वट पाइने एंड लेमोन है okay. और बैरगामॉट मेंथ में क्या कंपोजिशन है लेनालोल के लिनालाइल ये ले लिनालाइल एसिटेट ये मेन कॉन्सिटेंस है बेरगामोट मिन ऑयल में और जो ऑयल है वो डायरेक्टली यूज़ होता है परफ्यूम में ठीक है परफ्यूम बनाने में या फिर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है लाइक like सोप या फिर जो लोशन है ना लाइक स्पेशली आफ्टर शेफ लाइक like, स्पेशली uh, uh, जो शेव करते हैं ना शेव करने से पहले शेव करने के बाद लोशन लगाते हैं तो उसमें भी uh, उससे भी बनता है ओके okay? इससे बनता है ओके okay? लोशन विच कंटेन ऑयल ओके ऑल्सो कंटेन दिस ऑयल और उसके बाद है स्पीयरमेन जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिटेंस है राइट ऑफ स्पेयरमेन क्या है कार्बोन कार्बोन फिफ्टी सेवन पॉइंट सेवेंटी वन परसेंट और जो दूसरे माइनॉर कॉन्स्टिटेंस है वो है लेमनिन एल पाइनियन और सिनोल के द ऑयल इस यूज जो ऑयल है वो यूज़ होता है मोस्टली कहाँ पर फ्लेवरिंग में ओके फ्लेवरिंग इन टूथ एंड एज़ फूड फ्लेवरिंग इन पिकल ओके पिकल और स्पाइसेस और ये भी चुविंग गम में और सोप और सॉसेस में ठीक है एंड कॉन इज वन कॉन्फेक्शनरी ठीक है ओके सो इफ यू टॉक अबाउट प्लांटिंग तो ज़्यादातर ये अगर प्लेन एरिया में देखोगे इंडिया में प्लेन एरिया में कब प्लांटिंग होता, होता है इसका प्लांटिंग होता है विंटर के महीने में ओके okay? और ये टेम्परेट क्लाइमेट में कब होता है प्लांटिंग प्लांटिंग ऑटम सीज़न में होता है और स्प्रिंग में ओके okay? ऑटम में या स्प्रिंग सीजन में कर सकते हो आ ये फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर टू तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी टू तो थर्ड वीक ऑफ़ फेबरी और अगर आपने लेट प्लांटिंग किया तो कम प्रोडक्शन होगा ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा होगा प्रोडक्शन लेकिन कम होगा पोर यील इसे यहाँ लिखा है लेट प्लांटिंग ऑलवेज गिव पोर यील ओके ये उसका सॉइल है मीडियम टू फर्टाइल डीप सॉइल चाहिए जो हाई uh, होगा ह्यूमस में रिच इन ह्यूमस ओके ये आइडियल है मतलब uh, ज़रूरी है इसके कल्टिवेशन के लिए और जो सॉयल है वो अच्छा वाटिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए और इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए वाटर लॉगिंग अवॉइड करना है और पीएच कंटेंट कितना होना चाहिए सॉयल में सिक्स टू सेवन पॉइंट फाइव ये बेस्ट है ठीक है और सब ट्रॉपिकल एरिया सब ट्रॉपिकल एरिया जो रिसीव करता है एनुअल रेंट फॉर एनुअल रेंट फॉर कितना सौ से एक सौ पचास सेंटीमीटर ये बहुत सही है इसके प्रोडक्शन के लिए अब अगर क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो जापानीज मिन जो है ये ग्रो करता है बहुत अच्छा लाइक जापानीज मिन इट कैन बी ग्रोन इन ऑल सब ट्रॉपिकल और लाइक ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में अंडर इरिगेशन इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए ओके और ये नहीं टॉलरेट कर सकता बहुत ज़्यादा अगर ठंड का मौसम है तो इससे जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं जो जरे हैं वो ये हो सकते हैं सर सकते हैं ठीक है अब वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ ओके लीव्स एंड ऑल राइट आई मीन स्टेम एंड ऑल तो उसको प्रमोट करने के लिए बीस से पच्चीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और अगर हम लोगों को एसेंशियल ऑयल और मैंथॉल चाहिए राइट इफ़ यू वन हाई प्रोडक्शन हाई ओके मैंथॉल एसेंशियल ऑयल कंटेंट ओके okay? उसमें होना चाहिए तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए कितना तीस डिग्री सेल्सियस ये इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के अंडर है ठीक है मैं बता रहा हूँ और पेपर मैन और स्पेयरमेन कैनॉट बी ग्रोन ये नहीं ग्रो कर सकते पेपर मैन एंड स्पेयरमेन केनाट बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया इस्पेशली उस एरिया में जहाँ हाई समर टेम्परेचर है हाई समेम्परेचर एटलीस्ट फोर्टी वन डिग्री सेल्सियस इट कैन ग्रो तो ये उसका लैंड प्रिपरेशन है मिंथ रिक्वायर थॉरली प्लो हर, फा, दिस वन हैरो फाइन सॉयल लाइक अच्छे से खुदाई करना है आपको और जो भी अनवांटेड प्लान है सबको रिमूव करना है प्लांटिंग से पहले ओके और मैन्योरिंग मैन्योरिंग कब करना है जब लैंड प्रिपेयर करते हो ना खुदाई करते हो तभी आप ऐड कर सकते हो मैन्योर जैसे कि फैमयर मैन्योर बीस से ती लाइक नॉट बीस पच्चीस से तीस टन पर हेक्टर और ग्रीन मैनरिंग भी ऐड कर सकते हो मिंड प्लान करने से पहले ओके okay? सो so, ये सन सनहेमड ओके okay? ये आइडियल ग्रीन मैनियर क्रॉप है ठीक है ये ऐड कर सकते हो मिन आर प्लांटेड ऑन फ्लैट लैंड ओके okay? या फिर फ्लैट बेड ये नर्सरी बेड के बारे में डिस्कस डिस्कस किए थे ना संग ये जो नर्सरी बेड में आता है क्या क्या सन कैन रेस और ये फ्लैट बेड तो फ्लैट बेड बहुत सही है फॉर प्लांटेशन ऑफ मेन ओके सो अब आएंगे लास्ट आई मीन फॉर टुडे विल डिस्कस टिल हियर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में तो आ, ये प्रोपोगेशन मेन प्रोपिगेट होता है क्रीपिंग स्टोलन क्रीपिंग स्टोलन अगर आप भूल के मैं दिखाती हूँ ये स्टोलन है राइट right? यहाँ से ज़्यादा प्रॉपिगेट होता है यहाँ से रिमूव करोगे फिर ये जो डॉटर प्लान है फिर दूसरे लाइक ये जगह में प्लान कर सकते हो ठीक है और एक हेक्टर में कितने स्टॉलन जरूर ज़रूरी है आपको चार सौ के जी प्लान कर सकते हो एक हेक्टर में और जो बेस्ट टाइमिंग है जिससे आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉलन मिलेंगे वो कब है दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में ठीक है तो दिस इज़ अबाउट मिन्थ तो जो बाकी के uh, ये कल्टिवेशन प्रैक्टिस है इसके ठीक है जो जो मतलब इसके अंडर है तो मैं आपको बताऊँगी दूसरे वीडियो में टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर